तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, आपके DLED प्रथम सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का जो रिजल्ट है कल देर शाम जारी कर दिया गया है। जब से आपके रिजल्ट जारी किए गए हैं लगातार आपके मैसेज आ रहे हैं कुछ डाउट्स को लेकर, ठीक है। आपके प्रत्येक डाउट्स को, जो भी आपके कमेंट आए हुए थे, उस डाउट्स को मैंने इस वीडियो में ले रखा है, ठीक है। मैं प्रत्येक कंफ्यूजन्स को दूर करने का प्रयास जरूर करूंगा। मैं एक छोटा सा निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज मेरे दोस्त, अगर पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि चैनल के माध्यम से सारी फैक्ट जानकारी आप सभी के बीच में प्रोवाइड की जा रही है। जैसा कि थंबनेल देख सकते हैं, आपके बीच में कुछ चीजों को मैंने यहां लिख रखा है। लिखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में प्रशिक्षु फेल। जाहिर सी बात है, जो PNP की तरफ से आंकड़ा निकाला गया है, उस आंकड़े के अकॉर्डिंग अगर कहा जाए तो बड़ी संख्या में फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर के जो प्रशिक्षु हैं वो फेल नजर आए हुए हैं, ठीक है। यानी परीक्षा में वो असफल हुए। अब सवाल है कि आखिरकार जितने लोग असफल हुए हैं उनके साथ क्या कुछ वर्तमान समय में होना चाहिए, क्या उचित है क्या अनुचित है, नंबर कैसे बढ़ेगा, ठीक है। देख सकते हैं, अगर आपका बैक लग गया है किसी भी सब्जेक्ट में तो आपको क्या करना है, ठीक है। अब सवाल आप हमसे कर रहे हैं कि भैया हमारा 2 नंबर घट गया है, 3 नंबर घट गया है, तो हम नंबर को कैसे बढ़ाएं, ठीक है। नंबर बढ़ाने का क्या कोई तरीका हो सकता है, बिल्कुल इसमें हम साझा करेंगे। स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भरे, स्क्रूटनी क्या होता है, इसके बारे में हम जो है इसके पहले एक वीडियो मैंने दे रखा था उसमें मैंने ऑलरेडी आपसे चर्चा किया था, ठीक है। तो आप स्क्रूटनी का फॉर्म कैसे भरेंगे, चलिए जो लोग अच्छे नंबर भी पाए होंगे उनके लिए भी ये होता है कि अगर आपको स्क्रूटनी का फॉर्म भरना है तो आप स्क्रूटनी का फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो लोग फेल होते हैं 1-2 नंबर से 3 नंबर से, उनके लिए बेहतर होता है कि आप स्क्रूटनी का फॉर्म भर दीजिए। अब आप कह रहे थे कि भैया चलिए सेमेस्टर बैक क्या होता है, सेमेस्टर बैक वाले क्या अगले सेमेस्टर की परीक्षा दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। आगे देख सकते हैं, सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा, एग्जाम फॉर्म कब भरा जाएगा। तो चलिए हम फाइनली इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिएगा, देखिए सबसे पहले यहां देख सकते हैं हम कुछ पेपर कटिंग आपके बीच में दिखाना चाहेंगे भाई, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देख सकते हैं आपके बीच में ये आपकी मार्कशीट लगी हुई, भैया इस चीज को आप ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें आपके वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये किसके जिसके भी मार्कशीट होगी, हमें निर्देश से इसके मतलब है जो इसका इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ठीक है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन वाला ही आपको पढ़ना है, बाकी चीजों को आप छोड़ दीजिए। वैसे एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, आपने भी मार्कशीट डाउनलोड किया होगा तो आपके मार्कशीट में भी ये इंस्ट्रक्शन का ऑप्शन दिया होगा, ठीक है। आप इंस्ट्रक्शन वाले ऑप्शन को ही देख सकते हैं। कहा जा रहा है यदि प्रशिक्षु किसी भी विषय की उत्तर पुस्तिका का अंकानुसंधान, मीन्स अच्छा स्क्रूटनी मतलब ही होता है अंकानुसंधान, कराना चाहता है तो उसे परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से, जैसे आपका परीक्षा परिणाम कल घोषित हुआ तो आप अपने परीक्षा परिणाम से अगले 30 दिनों के अंदर आप अंकानुसंधान के लिए संबंधित डायट पर अपना प्रत्यावेदन या प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। आपको आपके कॉलेज के माध्यम से ही यह सब करना होगा, बाकी आप स्वयं से भी करना चाहें तो आप अपने संबंधित डायट, जैसे आप जिस जिले से बिलोंग कर रहे हैं, हम मानते हैं कि आप इलाहाबाद से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, इलाहाबाद जिले में आपका कॉलेज है तो आप इलाहाबाद डायट पर ही आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, या आपके कॉलेज वाले ही इस प्रक्रिया को करवा देते हैं। प्रशिक्षु अधिकतम 2 विषयों में अंक अनुसंधान या स्क्रूटनी करा सकता है। भाई आप अगर 3 विषय में फेल हैं तो आपको 3 विषय में आप अंक अनुसंधान नहीं करा पाएंगे, 2 विषय में आप करा सकते हैं, अगर 2 विषय में आपका नंबर बढ़ जाता है, ठीक है, तो ठीक है, अन्यथा आपको बैक ही देना पड़ेगा, ठीक है, बैक के अलावा और कोई चारा ही नहीं बचता है। आगे कहा जा रहा है प्रशिक्षुओं का अनुसंधान स्क्रूटनी का शुल्क 100 रुपए, ठीक है, यानी एक सब्जेक्ट का आपको 100 रुपए शुल्क देना पड़ेगा। कहा जा रहा है 100 प्रति प्रश्न पत्र सचिव परीक्षा नामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज के पक्ष में राष्ट्रीय बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा, ठीक है। आप कैश के रूप में नहीं दे पाएंगे, 100 रुपए का आपको बैंक ड्राफ्ट बनवाना होगा, किसके नाम से देख सकते हैं, राष्ट्र जो है सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज के नाम से, ठीक है। अगला कहा जा रहा है प्रश्न पत्र के साथ बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति एवं अंक प्रति या अंक पत्र का छाया प्रति संलग्न करना होगा, ये जो आपको खाका मिला हुआ है, ठीक है, इसकी छाया प्रति भी आपको संलग्न करनी होगी। अगला कहा जा रहा है
कि किसी भी विषय की उत्तर पुस्तिका का अंक अनुसंधान स्क्रूटनी केवल एक बार ही होगा, आपको सिर्फ एक के बार मौका मिलेगा स्क्रूटनी का। अगर ऐसा चाहे कि चलिए आप एक बार कराए संतुष्ट नहीं हुए, हम दूसरी बार करा सकते हैं, तो ये पॉसिबल आपके लिए नहीं होगा। ठीक है, अगला कहा जा रहा है प्रायोगिक कार्य मूल्यांकन में अंक अनुसंधान स्क्रूटनी का प्रावधान नहीं है। आपकी प्रयोगात्मक परीक्षाएं जो हुई है भैया, उस पर जो है आपका कोई प्रावधान नहीं होगा, आप उसका स्क्रूटनी नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, यहां से देखिए कहा जा रहा है परीक्षा अवधि में, या अगर आप परीक्षा अवधि आपकी परीक्षाएं चल रही थी उस परीक्षा के दौरान अगर आपने मेडिकल वगैरह ले रखा था तो उसमें भी आप फेल माने जाएंगे। ठीक है, लिखित परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है तो आगे आने वाले सेमेस्टर में पुनः लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाएगी। ठीक है, देखिएगा फिर से, यदि प्रशिक्षु अधिकतम किन्हीं दो विषयों की लिखित परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है, ठीक है, तो उसे आगे वाले आने वाले सेमेस्टर में पुनः लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी। मीन्स कहा जा रहा है अगर आप तीन सेमेस्टर में आपका बैक हो जाता है, ठीक है, तो आपको उस सेमेस्टर की परीक्षा पुनः देनी होगी, और अगर आप दो सेमेस्टर में उन्हीं अनुत्तीर्ण होते हैं तो आपको अगला सेमेस्टर में भी देना होगा, और ये जो पीछे आपका बैक दो सेमेस्टर में लगा वो भी देना होगा। आगे आने वाले सेमेस्टर में पुनः लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाएगी। यदि दो से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण होता है तो उसे पूरा सेमेस्टर दोबारा पूर्ण करना होगा। ठीक है, यानी दोबारा आपको पूरा सेमेस्टर की परीक्षा देनी होगी। ठीक है, अगला कहा जा रहा है यदि प्रशिक्षु अधिकतम दो विषयों की लिखित परीक्षा में अनुत्तीर्ण एवं आंतरिक मूल्यांकन में डी ग्रेड प्राप्त करता है तो उसे विषयों में आने वाले अगले सेमेस्टर की पुनः प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। ठीक है, यहां पर आपने सारी चीजों को देख लिया, मेरे हिसाब से आपकी प्रत्येक डाउट क्लियर हो गए होंगे। आप इसको देख लीजिए, यहां भी सारी चीजें आपके बीच में दी गई है। देखिएगा कहा जा रहा है डीएलएड का परिणाम जारी, प्रथम सेमेस्टर में 60% सफल। ठीक है, डीएलएड की वेबसाइट पर देख सकते हैं परिणाम, भाई परिणाम आप सभी ने अपना देख ही लिया होगा, परिणाम हमें देखने दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कहा जा रहा है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड के जो है कई सत्रों के प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा का परिणाम शनिवार को परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी ने जारी कर दिया। अभ्यर्थियों के परिणाम डीएलएड के डीएलएड और बीटीसी की वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसी के साथ एकीकृत छात्रवृत्ति एवं डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी का भी परिणाम जारी कर दिया गया। डीएलएड सत्र 2023 प्रथम सेमेस्टर 60% जो है प्रतिशत अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, इनमें से 186,765 ने परीक्षा दी थी और 110,736 परीक्षार्थी जो है वो सफल हुए हैं। ठीक है, जो प्रथम सेमेस्टर 2023 के प्रशिक्षुओं की संख्या थी वो 186,765 प्रशिक्षुओं ने परीक्षा दी थी, जिसमें से 110,736 अभ्यर्थियों ने पास हुए हैं। ठीक है, आगे पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि 2022 के प्रथम सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम जो है 59% और तृतीय सेमेस्टर का जो परिणाम रहा वो 77.27%, यानी 2021 के प्रथम सेमेस्टर में इतने प्रतिशत और तृतीय सेमेस्टर में इतने प्रतिशत, 2019 के तृतीय सेमेस्टर में इतने प्रतिशत और 2018 के प्रथम सेमेस्टर में इतने प्रतिशत और तृतीय सेमेस्टर के इतने प्रतिशत रहा है। ठीक है, आगे सत्र 2017 के प्रथम और तृतीय सेमेस्टर का परिणाम 100% रहा, यानी 2017 के जो भी प्रशिक्षु रहे होंगे वो सब पास हो गए। ठीक है, अगला बीटीसी 2015 के तृतीय सेमेस्टर का परिणाम जो है वो इस तरह से रहा। इसके अलावा एकीकृत छात्रवृत्ति परीक्षा में 622 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, इनमें से 1,991 आवेदन किया था, जिसमें से 1,274 अभ्यर्थी जो है परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। तो यहां पर आपने इस चीज को देख लिया। ठीक है, मेरे हिसाब से आपके प्रत्येक वो डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि कौन किस सेमेस्टर में कितने लोग पास हुए हैं और कौन से सेमेस्टर में कितने लोग फेल हुए। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अब देखिएगा बैक लग गया, बैक के बारे में मैंने इसका क्या प्रावधान है आपको बता दिया, नंबर कैसे बढ़वाए। देखिएगा अगर स्क्रूटनी आप करवाते हैं, अगर आपका एक नंबर दो नंबर तीन नंबर से बैक लगा होगा तो स्क्रूटनी में संभावनाएं होती हैं कि आपका नंबर बढ़ जाए। बट मैं ये नहीं कहूंगा भैया, ऐसा मेरे ऊपर आरोप मत लगाइएगा कि आप कह रहे थे कि स्क्रूटनी में आपका हर हाल में नंबर बढ़ ही जाएगा, नहीं। ठीक है, अगर बढ़ने के चांसेस होंगे, चांसेस का मतलब नंबर काउंटिंग उसमें होता है, आपका नंबर जैसे कॉपी आपकी रीचेक जरूर होगी लेकिन उसमें से आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। अगर नंबर काउंट इत्यादि करने में कोई गलतियां हुई होगी, त्रुटि हुआ होगा, ठीक है, तो बढ़ सकता है,
बाकी ये मत कहिएगा कि नंबर में 100% दावा नहीं करूंगा कि आपका नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है, ये चीजें गलत है, है ना। आप भाई 100 रुपए की बात होती है, स्क्रूटनी करवा लीजिए, अगर एक नंबर दो नंबर से आपका बैग लगा होगा तो हो सकता है कि स्क्रूटनी में आपका नंबर बढ़ जाए, ठीक है, ये कहा जा सकता है, बट ये कोई फिक्स नहीं कह सकता कि नंबर आपका बढ़ ही जाएगा, ठीक है। नंबर बढ़वाने का कोई भी तौर तरीका नहीं होता, लोग आपको अगर कोई किसी तरह से भी कह रहे हैं कि चलिए हम आपका नंबर बढ़वा देंगे, ऐसा कर देंगे, पूरी तरह से वो निराधार है, ठीक है, उसकी बातों पर कोई वो नहीं है वैल्यू, ठीक है। बाकी यहां सेमेस्टर बैक के बारे में मैंने आपको बता दिया, अगर 3 सेमेस्टर बैक है तो आपका पूरा सेमेस्टर बैक होगा। सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम भैया आप दिसंबर मानकर चलेगा और जनवरी आप जो है जनवरी को मानकर चलेगा कि जनवरी में आपकी परीक्षाएं हर हाल में हो जाएंगी, ठीक है। आप दिसंबर लास्ट और जनवरी को टारगेट करते हुए अपनी पढ़ाई को करिएगा। एग्जाम फॉर्म का जहां तक सवाल है, एग्जाम फॉर्म उम्मीद है कि इस महीने के लास्ट तक भरा जाएगा या तो अगले महीने के फर्स्ट से सेकेंड वीक तक भरा जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका जब ये रिजल्ट लेट आया हो तो जाहिर सी बात है प्रक्रिया में आपकी लेट हो सकती है ना। तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।